वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने। एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचेल ब्रेस्टन और कैमेले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी, जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्डगिस्ट। प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने। डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो के एक वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने। एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचेल ब्रेस्टन और कैमेले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी, जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्डगिस्ट। प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने। डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन
एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने। एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डेनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो के वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने। एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डेनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने। एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डेनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे।
मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्डरगिस्ट। प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने। डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश। और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट। जैसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने। एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डेनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमेले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी, जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्डरगिस्ट। प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने। डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश। और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट। जैसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने। एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डेनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमेले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी, जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्डरगिस्ट। प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने। डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश। और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स।
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट। जैसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने। एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डेनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी, जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट। प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने। डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट। जैसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने। एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डेनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी, जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट। प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने। डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट। जैसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने।
एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डेनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डेनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डेनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस
और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्डगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन नहीं और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्डगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन नहीं और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्डगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स।
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट। जैसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने। एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डेनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रेग वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी, जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन नहीं और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट। प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने। डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो के वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट। जैसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने। एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डेनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रेग वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी, जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन नहीं और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट। प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने। डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट। जैसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने।
एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद कर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और TV गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और TV गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस
और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्डगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन नहीं और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्डगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन नहीं और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्डगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स।
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट। जैसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने। एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डेनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमेले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी, जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट। प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने। डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट। जैसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने। एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डेनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमेले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी, जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट। प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने। डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट। जैसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने।
एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमेले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्डगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमेले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्डगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमेले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस
और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्डगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट। जैसे IMDB पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और TV गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी, जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन नहीं और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्डगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट। जैसे IMDB पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और TV गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी, जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन नहीं और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्डगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स।
सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट। जैसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने। एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचेल ब्रेस्टन और कैमेले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी, जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन नहीं और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट। प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने। डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट। जैसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने। एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचेल ब्रेस्टन और कैमेले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी, जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन नहीं और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट। प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने। डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट। जैसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने।
एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमेले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमेले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमेले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस
और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जैसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जैसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स,
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट। जैसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने। एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डेनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी, जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन नहीं और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट। प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने। डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट। जैसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने। एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डेनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी, जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन नहीं और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट। प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने। डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट। जैसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने।
एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डेनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमेले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डेनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमेले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डेनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमेले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस
और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्डगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और TV गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन नहीं और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्डगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और TV गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन नहीं और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्डगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स।
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने। एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डेनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी, जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट। प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने। डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने। एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डेनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी, जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट। प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने। डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने।
एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस
और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्डगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन नहीं और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्डगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डैनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन नहीं और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्डगिस्ट, प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स।
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट। जैसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने। एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डेनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमेले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी, जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट। प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने। डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्न इन द ईस्ट ला मूवी को। अगर आप इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। इस मूवी के रिव्यू, कास्ट एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 25 मिनट। जैसे IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6 की और टीवी गाइड पर इसे 77% की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को गूगल यूजर ने 96% लाइक किए थे। मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। मूवी को डायरेक्ट किए थे चिकन मैरिन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल पिक्चर ने। एंड मूवी के लीड रोल में नजर आए थे डेनियल स्ट्रिंग, जैन मिचल ब्रेस्टन और कैमेले रोपोज, ग्रे वर्स रिवर्स और नैन्स हैंगर्स जैसे कई स्टारकास्ट मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। बॉर्न इन ईस्ट ला जो कि 1987 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई स्ट्रगल कॉमेडी फिल्म थी, जिसे रिटेन एंड डायरेक्ट किए थे चैक्स मैरिन और इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे चैक्स मैरिन ने ही और प्रोडक्शन किए थे पीटर एम ग्रे स्कॉट ने। मूवी के लीड रोल में चैक मैरिन ही नजर आए थे, डैनियल स्ट्रिन, पुल्स रोटो ग्रेजन नजर आए थे। मूवी को एडिटिंग किए थे डॉन ब्रोकलोस और मूवी को म्यूजिक दिए थे ली हॉन्ड्रगिस्ट। प्रोडक्शन कंपोज किए थे कॉलर्स टैपिस ने। डिस्ट्रीब्यूट किया था मूवी को यूनिवर्सल पिक्चर ने और रिलीज किया गया था 21 अगस्त 1987 यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी को कंट्री रखा गया था यूनाइटेड स्टेट एंड मूवी का लैंग्वेज था इंग्लिश और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 17 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।